घपला तो नहीं होता भर्ती में? घपला कुछ नहीं होता है। लेकिन पहले क्या स्थिति थी? पहले घपला होता था। बहन जी पता नहीं हमारी कहाँ लापता हो गई है, बस यही थोड़ी सी टेंशन है। प्रियंका जी तो है वो? कौन? मैं प्रियंका जी को नहीं जानता। पहले क्या स्थिति थी? बहुत बुरा हाल था, खींचतानी बहुत होती थी। जो सड़क पे झाड़ू लगाते हैं शाम को पी के पौआ, वो भी कहते थे मैं सहपा ही कहूँ। मायावती हुआ नहीं। पहले क्या स्थिति थी? अरे हरे कोई कान पे मार के चला जाता था, पर आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कान पे मार जाए। जो भूमाफिया थे गुप्तारथी इस तरह के, उस पर लगाम लगी है। लेकिन छोटी जमीन घेराबंदी होती थी वो खत्म हो गई आज के साथ। गाय को कटना खत्म हुआ, बहुत बढ़िया हुआ जी। नहीं सबसे ज्यादा गाय कट रही थी पहले। और वो नल जो लग रहा है नल, अब तो पानी बिना हेडपम्प साउंड से लग रही है सबके यहाँ पर। साउंड से गंगा जल आ गया आगरा में, और क्या चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूँ युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूँ मैं आगरा के अवधपुरी चौक पर। यहाँ लोग हैं, ठंड का मौसम है, लेकिन चुनावी गर्माहट में बात भी करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि इस बार इनके दिल में क्या है, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या वाकई 5 साल का काम इनको रास आया या फिर परिवर्तन चाहते हैं। तो महिलाएं भी हैं, लोग भी हैं, युवा हैं तमाम, उन सबसे एक एक करके बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप ही लग रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल, 5 साल में कुछ बदला? जी सर, 5 साल में बहुत बदला। सबसे बढ़िया ये लगा कि हमारे क्षेत्र में यहाँ गंगा जल आया और रोड बनने का भी काम चल रहा है, और बाकी भी कई स्कीम है जैसे कि नगर निगम वगैरह सारी सुविधा मिल रही है और सरकारी योजना मिल रही है हमको। पानी बिजली, पानी बिजली सब मिल रहा है हमको। पहले से कितनी स्थिति बेहतर हुई? पहले से कम हमें को 90% मान लो। 90% जी। फिर कहाँ जा रहा है? बीजेपी होगा, हमारा वोट बीजेपी पे ही जाएगा। बीजेपी भी जाएगा जी, कसम खाली है जी। बीजेपी क्या लगा इनकी बात में, दम है कैसे? नहीं, इनकी बात में दम तो है, लेकिन हम योगी सरकार के काम से संतुष्ट हैं, न कि यहाँ के निवर्तमान विधायक श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से हम सहमत नहीं है, क्योंकि उनके क्रियाकलाप और कार्यकलाप और जो उनके। लेकिन योगी सरकार का काम बताओ मुझे। योगी सरकार के काम तो बहुत बेहतरीन हुए हैं, गुंडागर्दी खत्म हुई, महिला सशक्तिकरण पर काम हुआ और भी बहुत सारे काम हुए हैं। लेकिन स्थानीय मुद्दों को देखोगे आप तो सड़कों का आप हाल देख सकते हो। लेकिन बड़े लेवल मुझे बताओ, जो हाईवे बनाए हैं उन्होंने या फिर और दो दो टाइम का राशन दे रहे हैं वो जिस तरीके से योगी सरकार, तो वाकई उससे कुछ उद्धार होगा जनता का? उद्धार तो खैर हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, और गरीब जनता जो कोरोना से प्रभावित थी और पीड़ित थी उसको काफ़ी लाभ मिला है। वैक्सीनेशन फ्री है उससे भी कुछ? बिल्कुल, 750 रुपये कीमत की जो वैक्सीन है, अभी घर में माचकर चलो 5 लोग हैं तो करीब 4000 रुपये एक बार की होती है, और वो मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न वर्ग परिवार वो कहाँ से लाएगा। लेकिन योगी जी के खिलाफ 8 पार्टियों गठबंधन, अखिलेश यादव नेतृत्व तो कर रहे हैं। नहीं देखिए, अब अखिलेश यादव जी कर रहे हैं गठबंधन, और जहाँ बसपा कांग्रेस है उनका कहीं अता पता है नहीं। अच्छा, वो कहाँ चले गए सब? पता नहीं, आप ही देख रहे हो कि आप ही लोग दिखा रहे हो कि 3-4 सीटें मिलेंगी, 6 मिलेंगी, अब इनको 245+ बता रहे हैं। आज ही मैंने न्यूज पर देखा, इनको 245+ बता रहे हैं और उसको 125 बुला रहे हैं। निसंदेह सरकार भाजपा की बन रही है, लेकिन हम वर्तमान विधायक से नाखुश हैं। बाकी काम अच्छा लगा? काम अच्छा है। काम आपको लगा अच्छा? जी अच्छा लगा। कितना बेहतर हुआ 5 साल में? काफ़ी बेहतर हुआ सर। क्या कुछ स्थिति बदली आगरा की? बहुत बदली है अगर देखा जाए तो, अपना देश मजबूत हुआ है। देश मजबूत जी। योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने खैर इतना तो खैर मैं कह नहीं सकता हूँ, मुझे पता नहीं, पर यह कि जो भी करा है वो अच्छा करा है। वो अच्छा किया है, जो बदमाशों को ठोकने का काम किया वो बहुत अच्छा किया। बुलडोजर जो गर्जा वोट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बदमाशी गिरी थी ना वो बिल्कुल खत्म हुई, ये अच्छा हुआ। तो पहले क्या स्थिति थी? अरे हरे कोई कान पे मार के चला जाता था, पर आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कान पे मार जाए। अब नहीं है कुछ, ये जो कट्टेबाज खत्म हो गए? वो सब खत्म, कट्टेबाज क्या बंदूकबाज सब खत्म। चले कहाँ गए सारे? ये सब बंद कर दिए, अंदर डाल दिए। सारे कहाँ चले गए? बिल में घुस गए। बिल में घुस गए? घुस गए। 5 साल में कुछ लगा भी क्या? महंगाई बढ़ा दी कहते हैं अखिलेश यादव। महंगाई तो लग रही है, महंगाई बढ़ी नहीं है, लग रही है। महंगाई तो वो जहाँ थी वहीं पर है। कुछ काम कैसा अच्छा लगा 5 साल में कुछ बताओ? बहुत अच्छा। आगरा में क्या? बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद है, जिंदाबाद है भाई। उसके अच्छे काम है, अच्छे तरीके हैं, अच्छे नियम है, इस वजह से अच्छी है। अखिलेश यादव कहते हैं हम कर देंगे ठीक काम। पहले भी तो किए थे, कानून व्यवस्था बिगाड़ी। सबसे बड़ी बात तो कानून व्यवस्था सबसे खराब रही है इस राज्य में। कोई भी वैसा आदमी बोल ही नहीं पा रहा है, कोई भी वैसा आदमी बोल ही नहीं पा रहा है। जो उपद्रवी आदमी है कोई बोल ही नहीं पा रहा है इस राज्य में। सिर्फ जो अच्छा है वो ही बोल पा रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है।
तो इस वजह से अच्छी लगी है। तो गरीबों का साथ देती है बीजेपी सरकार, ऐसे ही है। देखो साथ तो सम्मान मिला है, नहीं मिला? सम्मान तो हर किसी को मिलता है हर किसी राज्य में, लेकिन इनका जो तरीका है वो अलग ही है, काम करने का अलग ही तरीका है। काम करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये लगा है कि इस राज्य में जमीन जायदाद गिरने की कोई बुनावत नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भी, इन्हें नियम ही ऐसे बनाए हैं कि कोई भाई साहब कोई गिर ही नहीं सकता है। चोरी चकाती डकैती सब बंद? वो तो देखो थोड़ा बहुत तो हर किसी में चलता है, लेकिन बहुत कंट्रोल है, बहुत ज्यादा कंट्रोल है। कहाँ ठोक रहे हो बीजेपी? बीजेपी और क्या, तुम यार मुस्कुरा रहे, लग रहा है एकदम एकदम चेहरा ग्लो कर रहा है, क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो जो है, जो सब जनता आपकी यहाँ को जो बता रही है, बस वही माहौल है पूरा। बस तुम भी तो बताओ यार, तुम भी वोटर हो। तो वोटर ने बता तो दिया जनता के साथ में, हमें हम वोटर हैं तो जनता के साथ में ही हम, और जनता को तो कहने लगे साइकिल पे दूंगा, साइकिल पे दे दो क्या? तो फिर हम हाथी पे दे देंगे भैया। हाथी पे? हाथी का कहाँ है हिसाब किताब? अरे किसी का हो नहीं हो, जब आप कह रहे हो कि साइकिल पे दे देंगे तो हम हाथी पे दे देंगे। कमल पे दे रहे, फिर कहाँ दोगे? कमल पे ही देंगे। कमल पे ठोकोगे? और क्या काम तो बताओ कुछ, क्या किया इन्होंने? सर काम तो बस एक ही काम से हम नाखुश हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है सरकार, बाकी ठीक है सब कुछ, बाकी सब कहते थे हम 5 लाख लोगों को दे दिया हमने रोजगार। अब साहब हमें तो पता नहीं है सर। तो कितना पढ़े लिखे आप? मैं साहब बीपीएड करे हुआ हूँ, बीपीएड करे हुआ हूँ। बीपीएड करे हुए हैं? हाँ। और इसके बाद क्या करना चाहते हैं? अब सर बीपीएड में ही एक समय पे इस सरकार से पहले अनुदेशक की भर्तियाँ आई थी 32,000 कुछ, और इस सरकार ने घपला तो नहीं होता भर्तियों में, घपला कुछ नहीं होता है। लेकिन पहले क्या स्थिति थी? पहले घपला होता था। पहले कौन लगते थे तो बताओ मुझे, जो भी था पहले घपला होता था। ठीक है अब ठीक है, लेकिन भर्तियाँ थोड़ी सी निकलनी चाहिए, जो भर्तियों पे रोक लग जाती है वो निकलनी चाहिए। बात है एकदम, क्या देख रहे हो? देख रहे हैं भैया आपको, क्या पूछ रहे हैं बताए बताइए। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो अब क्या बताएं आपको, माहौल तो ठीक चल रहा है। आप तो एकदम घुमा रहे बात है, क्या बताए, ये बताओ चुनाव का है क्या सिस्टम? चुनाव की लहर ठीक ठाक है, लहर तो बीजेपी की चल रही है बहन जी, पता नहीं हमारी कहाँ लापता हो गई है, बस यही थोड़ी सी टेंशन है। प्रियंका जी तो है वो? कौन? मैं प्रियंका जी को नहीं जानता, नहीं जानता। वाड्रा प्रियंका वाड्रा? नहीं नहीं, कांग्रेस मतलब ही नहीं है, वो तो कुछ नहीं है, वो तो सब कहने सुनने की बात है। बहन जी कहाँ चलेंगे, वो हाथी कहीं चला गया? दिक्कत है, अब बहन जी नहीं आ रही तो बीजेपी आएगी, बीजेपी आनी है। क्या कह रहे? एक ही नाम एक ही नारा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। क्या जय श्री राम? देखो भैया सबसे बढ़िया ये बहुत बढ़िया, एक मिनट भैया एक मिनट, इनकी भी सुन लो, ठंड पड़ रही है बेचारी जा रहे हैं। क्या लगा 5 साल में बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी डेवलपमेंट हुआ है, और योगी मोदी की सरकार होनी चाहिए फिर से। मुझे उम्मीद है कि दोबारा से मैदान में बाबा जी आए, और काफी गुंडागर्दी काफी सुधार है। महिलाओं की सुरक्षा कितनी हुई कहते? बहुत 101%। पहले क्या स्थिति थी? बहुत बुरा हाल था, खींचतानी बहुत होती थी, जो सड़क पे झाड़ू लगाते हैं शाम को पी के पौआ, वो भी कहते थे मैं सहपाई का हूँ, मैं सहपाई का हूँ। क्या कह रहे हैं वो? अब कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गए हैं वो लोग, कहाँ चले गए वो? पता नहीं कहाँ चले गए। योगी जी ने जमीन में गाड़ दिया? नहीं नहीं, गाड़ा नहीं है, डिसिप्लिन सिखाया है। जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद, दोबारा बीजेपी ही आएगी। मायावती का सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? मायावती बुआ नहीं। सबसे बढ़िया योगी ने जो किया, गायों को कटना खत्म समाज से, गायों को कटना खत्म हुआ, बहुत बढ़िया हुआ जी। नहीं सबसे ज्यादा गाय कट रही थी पहले, ठोक दिया उनको जो, बहुत बढ़िया किया, जो तस्कर थे गाय तस्कर वो खत्म कर दिए, गाय तस्कर सारे खत्म हो गए, ये बहुत बढ़िया हुआ। इससे बढ़िया इससे कट्टेबाज सारे मारे गए। अब तो किसान विसानों को मिल रहा अभी है कि सब ऐसे चल रहा है? किसान विसानों को मिल गया था। क्या मिल रहा है? किसानों को लोन माफ हो गया, जो बहुत बढ़िया किया किसान। क्या करते हैं आप? हमारा जूस का काम है साहब, चाय का काम है, चाय का काम है। चाय सब पीने आते होंगे? सब पीने आते सब चाय हमारे पास। क्या कहते हैं चाय में जो पीने आते हैं, कुछ चर्चा तो करते होंगे चुनाव की? वो कहते हैं साहब बीजेपी आनी चाहिए। कुछ बात तो कहते होंगे क्यों आनी चाहिए? हाँ बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी के काम भी बढ़िया गए, वो पुल वगैरह भी बन गए बढ़िया तरीका से। अपने युवा आदमी है वो, जो सबके लिए कुछ नहीं हुआ इससे पहले, 5 साल के अंदर कुछ नहीं कर पाया। 412 इस बार अखिलेश यादव, अरे वो कुछ भी हो मतलब कैसे भी करो, नहीं तो फिर ईवीएम वाला दिक्कत आ जाएगी कुछ ना कुछ। वो तो आएगी थे, वो कुछ नहीं जानता ईवीएम के बारे में, हम जानते हैं जो जानते हैं ईवीएम क्या होता है। वोट हम डालेंगे, वोट तुम डालोगे और क्या, नहीं कहाँ डालोगे वोट? आए एक ही बात है, एक ही कमाल है, जय श्री राम जय श्री राम। उसकी तो स्थिति ऐसी लग रही है, आठ पार्टी आठ पार्टी है उसके साथ, गठबंधन नहीं है सिवाय बीजेपी के, आगे कोई नहीं, बाबा के आगे सब पहले सब उठ जाएंगे वहां में।
ये हाथी क्या करेगा फिर? कुछ नहीं है, हाथी अब कहाँ रह गए, जमाने गए बन गए अब, अब नहीं है। और नल जो लग रहा है नल, अब तो पानी बन गया, एकदम समर से बेल लग रही है सबके यहाँ पर, समर से गंगा जल आ गया आगरा में, और क्या चाहिए। कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समय पास हो रहा है, टाइम पास है। तो काम अच्छा क्या हुआ? बढ़िया काम हुआ है, सब तरक्की हो रही है, जब आदमी बोल ले सब गंगा जल आ गया, गंगा जल आ गया, सबको पवित्र हो गया, ग्रीन गैस आ गई, ग्रीन गैस आ गई, गंगा जल आ गया और सिविल लाइन आ गई और बाकी स्टोन पावर आ गया, सुविधा आ गई, लाइट हो गई, स्टील में लाइट हो गई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है एकदम, मजा तुम्हें भी आ रहा है कि सब झूठ बोल रहे हैं? सही है, सही है सब, सही सही से क्या बताओ, जो भी हो रहा है सही हो रहा है, बढ़िया योगी जी, बढ़िया काम, बढ़िया काम कर रहे हैं वो। आप क्या करते हैं? अंडे की ठेली लगाता हूं। अच्छा, अंडे की ठेली, तो कुछ आमदनी बढ़ी पहले से? नहीं, पहले से घट गई है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ी। हाँ जी, बाकी वैसे योगी जी काम अच्छा कर रहे हैं। अपराधी अपराधी पहले आते थे 8-9 बजे और ठेली वेली ऐसा करते, लूट लाट बंद हो गई, लूट बात बंद हो गई, पहले आते थे कोई ठेली के पास बदतमीजी करके जाते, पहले ऐसा नहीं, पहले ऐसे थोड़ी नहीं, पहले ऐसा नहीं था कि लूट पाट हो गई कि कोई भी, वैसे बंद तो हुआ पहले रात में। हाँ, पहले से क्या है कि बड़े स्तर पे जो गुंडे थे, जो भूमाफिया थे, मुख्तार थी, इस तरह के उस पर लगाम लगी है, लेकिन छोटी जमीन घेराबंदी होती थी वो खत्म हो गई आज के साथ, छोटी मोटी घेराबंदी थी तो ये चोरी चकाटी थी जो चलती रहेंगे हमेशा। देख रहे हो आप, बताओ क्या लगा 5 साल? हमें तो कुछ नहीं लगा, हम तो चाय देख रहे हैं, मोती जी चाय वाले, हमारी चाय की दुकान है, चाय बेच रहे हैं, हमारे क्या करें, आधार कार्ड नहीं है, पैसे कैसे लगवा बताइए, आधार कार्ड तक नहीं है हमारे पास, पहचान अपना नहीं है हमारे पास, कहाँ गया तुम बनवा, कहाँ गया, परिवार खत्म हो गया, अकेले बचे हुए परमात्मा के ऊपर, परमात्मा ऊपर है तो जोगी जी किसके ऊपर है, वो परमात्मा ऊपर है ना, जो बताइए आप, नहीं आप तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने आए थे, आप तो पहले हमारे आधार कार्ड बनवाइए, पहले हमारा आप जिससे हमारी पहचान बने, जिससे हमारी पहचान बने, कई पहचान है हमारे पास भैया, इनका आधार कार्ड बनवा दो, आधार कार्ड बनवाइए भैया को समझने कह रहे हैं, आधार कार्ड अब कैसे बनवाए, तो आधार कार्ड का योगी थोड़ी ना आएंगे बनवाने के लिए, आप साहब कोई पहचान नहीं है मेरे पास, इनका आधार कार्ड कल मैं बनवाऊंगी, मेरे साथ चलना ठीक है, आधार कार्ड तुम्हारा, लेकिन चाय में चीनी पत्ती अच्छी तरह डालना, ओके सर, ओके ओके, अब तो समझ गए आप तो ठीक, खुश हो खुश साहब, और बोलो मैडम ने कही थी खुश, आपकी बात को एकदम सॉल्व कर दिया, काम हुआ 5 साल में, सब झूठ बोल रहे हैं, अरे नहीं सब गलत है यार, सब गलत है, सब बेकार है, देखो थोड़ा सा अच्छा भी किया है, थोड़ा सा बुरा, सब बुरा भी किया, देखो इस वक्त देखो अभी ताजी खबर मिल रही है, एक मिनट, अभी जो रेलवे में भर्ती चल रही थी, कितना उधम मचा रहे हैं बच्चे, वो बिहार मचा रहे, चल रहा है, अरे तो बिहार में क्या पार्टी, तो रेलवे क्या है, आप रेलवे को जानते हो, रेलवे क्या है, हेलो रेल, नहीं 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 रेल, रेलवे बिहार की नहीं है, रेलवे अकेले बिहार की नहीं है, सेंट्रल की है ना, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, हर जगह की यूपी में भी बच्चे मारे हैं, थोड़ी सी भी गड़बड़ी भी थोड़ी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, तो अच्छा ही कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी गलती ये भी चल रही है, युवाओं के लिए थोड़ी सी परेशानी होना चाहिए, अब तुम ये कहो कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जो दो मिनट में बोलूँगा, एक मिनट सर, बाकी काम सही हो रहा है जनता के लिए, क्षेत्र के लिए, गंगा जल बाकी सब, शिक्षा विक्षा में, लेकिन सारी बात समस्या यहाँ पे आती है रोजगार की, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, लेकिन कोरोना की स्थिति भी थोड़ी स्थिति बिगड़ी, नहीं नहीं ये बात तो सही है, लेकिन उसमें कोरोना से और ये रेलवे की भर्ती से क्या लेना देना है, ये बताओ, जैसे वैकेंसी भी बंद हुई है 2 साल से थी, मंत्री ने कोरोना क्या करेगा इसमें, एक बता दिए, कहते हैं ना हमने 5 लाख तो रोजगार दे दिए, योगी जी कहते हैं 5 लाख दे दिए, आपने देखा जाके, नहीं वो दिखाते, अब मैं तो कागज के आधार पर बोलूंगा, डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, 5 लाख दे दिया, 5 लाख रोजगार दे दिया, फिर भी रोजगार नहीं है लोगों के पास, रोजगार मिलना चाहिए, हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, हाँ 5 साल में कुछ काम हुआ सर? 5 साल में बहुत काम हुआ है, कुछ तो बताओ, कुछ कुछ बड़ा, बेरोजगारी सर आई है आपका, अगर मार्केट में ये काम नहीं डालेंगे, मेन आपका पूरा अगर देखा जाए हिंदुस्तान कौन चलाता है सर, मैं कह रहा हूँ सब बिजनेस से चलता है, मेरे हिसाब से तो बिजनेस ठप हो गया सबसे ज्यादा, सब बिजनेस से चलता है पूरा हिंदुस्तान, मैं ये मानता हूँ, उद्योगपति की बात तो कर रहा था, उद्योगपति तो बिजनेस के अंडर ही आएंगे ना भाई, उद्योगपति तो लगाएंगे पैसा, अगर पूंजी उठेगी तो जाहिर सी बात है उद्योग सर, उद्योग कहाँ से आपको दिख रहा उठता हुआ, अगर मैं नॉर्मल इन ये अंडे की ठेल लगा रहे हैं इनसे मैं पूछूंगी भैया आपकी सेल क्या है, तो कहीं ना फिर तो इसका मत बस सर, या मैं वही तो मैं बोलना चाहता हूँ, दूसरी जगह लेना चाहिए था, थोड़ा एग्जांपल मेरा गलत हो गया सर, ये बताइए सर, दुकानें सारी बंद करवा दी सर, ठेके काहे खुले, ये तो बड़ी बात है सर, आप बताइए ना
सर, क्योंकि सर सारा टैक्स यहाँ से वटूरा जा रहा है, जबकि टैक्स जो लगना चाहिए, जो मिल रहा है इनको, उनको लोगों पे क्यों नहीं लगा सकते ये? सर जब ये जैन एक पकड़ा गया है, इतना इसको पीयूष जैन जो पकड़े गए हैं सर, इतना जिनको ये पैसा गवर्नमेंट को मिला है, जो गवर्नमेंट से पैसा चला गया, इन्होंने पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, जब इनको इतना पैसा मिला है तो सर कुछ तो सस्ता करते हैं। बिल्कुल जायज है तो, लेकिन कहते हैं, लेकिन वो ये बात एक बात कहते हैं कि हम तो यार सारी चीज़ों को स्थिर करके रखते हैं, स्थिर के साथ देते हैं। किसानों की भी बात समझनी है, युवाओं की भी समझनी है। सर इन्होंने गरीबों के लिए बहुत करा, मैं खुद मानता हूँ, दो टाइम राशन भी दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत घर और घर भी मिल रहा है, आवास योजना सर 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं सर। सर रोजगार मैं कह रहा हूँ, राशन भी चाहिए सर, पर अगर राशन आपको मेरे यहाँ पर सर आप रोज आइए, ये राशन तो हर गवर्नमेंट में होता है, हर दो यार बताते कि ये तो पहली बार हुआ है, दो बार राशन पहले नहीं मिलता था, दो बार फ्री होता सर, राशन मिलता था, मान के चलिए अगर कोई सिस्टम सर, वही मैं कह रहा हूँ, वैक्सीनेशन फ्री भी सर सब फ्री कर दिया है, अगर बंदा कमाएगा नहीं उसको सारी चीजें फ्री में या फोकट में मिल जाएगी सर, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, कुछ नहीं, एक तरीके भिखारी भिखारी बन जाएगा सर, भिखारी बना रहे हैं सर, और क्या, भिखारी बना रहे हैं सर, अपनी इंडिपेंडेंस खत्म हो चुकी है, मतलब ये गवर्नमेंट काम अच्छा नहीं कर रही है सर, गवर्नमेंट काम कुछ अच्छा नहीं कर रही है, मैं तो ये मानता हूँ, पर दबाव है सर, बेकार बेकार लग रहा है, काम वाम तो सही है, मेरे बस देख कर जाइए, कहने का मतलब ये है कि कुछ काम ठीक है, कुछ थोड़ा सा युवाओं पर रोजगार पर ध्यान लग दे, तो कुल मिलाकर साफ है कि हमने जिस तरह से लोगों से बातचीत की और लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, यहाँ पर अधिकतर लोगों ने बीजेपी का सपोर्ट किया और कुछ चीज़ों पर, मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो सकता है इस बार के चुनाव में, यहाँ से जो आवाज़ निकल कर आई है, लेकिन अधिकतर जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार में सड़क बिजली पानी बेहतर हुई है और फिर से यहाँ की जो आवाज़ है लोगों की, वो चाहते हैं कि फिर से बीजेपी सरकार आए। कैमरामैन रवि आर्या के साथ मैं दुष्ट उपाध्याय, कैपिटल टीवी, नमस्कार।